फाइनली हमारा बॉक्स आ गया 20 दिन के बाद। अब हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है। चलिए करते हैं शुरू। यो बूम द थिंग गोस स्किरिकी। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद ये सब सामान निकला है बॉक्स में से। तो अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या है। ये पुलअप बार एंड जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट है बट चीप नहीं है। नेट होल्डर भी इनके अच्छे हैं एंड सबसे अच्छी बात है इसकी जो ग्रिप है वो आसानी से ना खुलने वाली नहीं है। एंड ये हमारा वी बार है बेसिकली ट्राइसेप्स के लिए, और ये भी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड दिस इज़ फॉर ऑल्सो ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स। एंड जो इसकी क्वालिटी है, इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बेसिकली इनकी जो ग्रिप क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। एंड ये रही पुली, जिसके लिए मैंने स्पेशली ये ऑर्डर करवाया है, क्योंकि पुली के साथ आप मल्टी एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, नॉर्मल क्वालिटी बोल सकते हैं इसकी हम। एंड ये एक एक्स्ट्रा बाइसेप्स के लिए दिया है, बाइसेप्स हैंडल, पर इसकी जो ग्रिप है वो मुझे लगता नहीं ज़्यादा देर तक चलेगी। तो ये सबसे मेरे को बकवास लगा इस पूरे सेट में। एंड दिस इज़ एक्सटेंशन चेन। अब इसका फंक्शन क्या है वो तो जब माउंट होगा उसके बाद पता चलेगा कि इसका फंक्शन अच्छे से क्या है। तो ये दिए रोप, एंड जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि इसको बाहर से भी ना कवर करके दिया हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि रोप टूटती नहीं है जल्दी। जो ऊपर वाली रॉड है वो हमारे पास लैट पुल डाउन से, जो हमको बैक में हेल्प करेगी, बैक की एक्सरसाइज में। एंड जो नीचे वाली है वो हमारे पास पुल अप रॉड है। एंड दिस इज़ हमारे पास, ये है एब्स के लिए, लोअर एब्डोमल्स के लिए। तो इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये हल्के से हैं, ये आसानी से यार फट जाएंगे। एंड ये हमारे पास है वेट हैंगिंग रॉड, तो इस पर वेट लगाएंगे। एंड ये हमारे पास बोल्ट्स हैं, नेट बोल्ट्स हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको माउंट करेंगे दीवार के साथ। तो चलो फिर इसको दीवार पर माउंट करते हैं। ये जो बोल्ट्स हैं ये एक्सपेंडेबल बोल्ट्स हैं, ये दीवार में जाके ना एक्सपैंड हो जाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इनको बड़े आराम से लगाना है। फाइनली हमारा जो प्रो टोनर वॉल पे माउंट हो गया है। अब हम इस पर लटक कर देखेंगे कि इसकी जो हमने नेट होल्ड्स लगाए हैं वो अच्छे से लगाए कि नहीं लगाए, एंड चेक करेंगे कोई हिल तो नहीं रहा। तो अभी हमने पुल अप ट्राई किया, ये तो बिल्कुल ठीक बैठी है, हिल नहीं रही है। लेकिन अब हम चिन अप ट्राई करेंगे, क्योंकि इसका सारा वेट आगे आएगा और तब हमको पता चलेगा कि जो उसका नेट होल्ड है वो अच्छे से फिक्स्ड है कि नहीं है। और चिन अप भी अच्छे से, इट मीन्स कि जो हमारा नेट होल्ड है वो और अच्छे से बिल्कुल क्या हो गया, माउंट हो गया। अब हम देखेंगे जो हमारे पास पुल्ली दी है, अब ये पुल्ली कितनी स्ट्रांग है। एंड ये तो आपको पता ही है, ये है हमारे पास वेट लिफ्ट करने वाली रॉड, और इस पर आप वेट लगा सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास पहले से ही थे, ये मैंने ख़रीदे नहीं है अभी, ये मेरे पास पहले से ही थे। ये रॉड है, इस पर आप जितना वेट लगा सकते हो इसे आप ईजिली इसको क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। जैसे ये ट्राइसेप्स वाला है, ठीक है, ट्राइसेप्स वाला में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पुल्ली आराम से काम कर रही है स्मूथली। और आप इसको जितने ज़रा झटका नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि ये वेट फिक्स्ड नहीं है, तो ये वेट क्या हो रहा है, आगे पीछे जा रहा है, इसलिए आप इसको
बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना, आराम से यूज़ करना, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। सो मैंने अब इस पे एक्स्ट्रा प्लेट्स डाल दी हैं, क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जो हमारी पुल्ली है वो वेट क्या रिजिस्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है उसको, क्योंकि ये सारा का सारा प्रेशर ना एक बार पे जाएगा, तो वो बार हमारी बेंड तो नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने इस पे 25 केजी का जो वेट डाला है। एंड अब मैं चेक करूँगा कि जो हमारी पुल्ली है वो अच्छे से वेट उठा रही है कि नहीं उठा रही है। एंड बिल्कुल सही उठा रही है, ठीक है। लेकिन बस इसका यही प्रॉब्लम है कि आप इसको झटका मत दो, ताकि ये वेट क्या आगे पीछे लिफ्ट ना करे, इसलिए इसको आराम से यूज करें, ठीक है। तो बात होगी इसके फंक्शंस के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कितने में परचेज किया है और इसकी प्राइस क्या है। तो ये मैंने सिर्फ 1499 में परचेज किया है, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन मैंने 1499 में परचेज किया है और इतनी सारी एसेसरीज के साथ। तो ये सबसे एडवांटेज है इसके, जो इसका प्राइस टैग है ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। इस एडवांटेज तो मैं भी इसकी क्या बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। जब मैं इसका अच्छे से यूज़ करूँगा, मैं कोई एक मंथ के बाद इसका रिव्यू दूंगा इसी चैनल पे कि ये कितना इफ़ेक्टिव है और कितना इफ़ेक्टिव नहीं है। पर अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कराते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपके पास पैकेज आए तो आप उसको अच्छे से देखें कि उसमें कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। मेरे पास एक पार्ट मिसिंग आया था, ये पुल्ली को लटकाने वाला जो था ये मिसिंग है, आप देख रहे हो इसको वेल्ड किया है मैंने, ठीक है, तो ये वाला मिसिंग था। बस ये एक प्रॉब्लम आई मुझे इससे, अदरवाइज अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला अगर आपको लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शब्बा खैर।